ये के पाठक का राज है। यहाँ जरा सी लापरवाही पर सीधा कार्रवाई का डंडा चलता है। कुछ ऐसा ही हुआ जब के पाठक पहुँचे नवादा औचक निरीक्षण करने, तो स्कूल की हालत देख भड़क उठे। के पाठक जब स्कूल पहुँचे तो ना तो स्कूल की हालत ठीक मिली, ना ही स्कूल में बच्चे मिले, ना स्कूल में ढंग से साफ सफाई देखने को मिला, जिसको देखकर ACS के पाठक का गुस्सा हाई हो गया और नवादा पहुँचे के पाठक ने शिक्षकों को तो बख्श दिया, लेकिन चपेट में आ गए DO, 2 BO और 4 प्रधानाध्यापक। इन सभी के वेतन रोक दिए। बता दें कि पाठक साहब ने जिले के कुल 9 विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया, जहां ढंग से काम नहीं करने के कारण ये कदम उठाया गया। बता दें कि स्कूल में एक क्लास में ताला बंद था, जिसको खोला गया तो काफी संख्या में स्टूडेंट्स के लिए लाई गई किताबें पाई गई। उन्होंने कहा कि इसमें प्रधानाध्यापक की लापरवाही है, जो कि समय पर बच्चों को बुक्स उपलब्ध नहीं कराए गए। उन्होंने अखिलेश कुमार सिंह प्रधानाध्यापक का वेतन अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश दिया। इस विद्यालय में 148 बच्चे नामांकित है, जिसमें से 101 बच्चे ही निरीक्षण के दौरान उपस्थित थे। किताबों का वितरण और विद्यालयों का निरीक्षण नहीं करने के कारण प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी वारिसलीगंज का वेतन भी बंद करने का निर्देश दिया। बता दें कि प्राथमिक विद्यालय मलीचक्का जब औचक निरीक्षण करने के पाठक पहुंचे, तो वहां 85 बच्चे नामांकित थे, जिसमें की 41 बच्चे ही उपस्थित हो पाए। लेकिन हद तो तब हो गई जब स्कूल में ब्लैक बोर्ड तक नहीं था, जिसे देखकर के पाठक को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आया। उन्होंने मौके पर शिक्षकों से इसका जवाब मांगा कि आखिर वो क्लासरूम में पढ़ाते कैसे हैं। के पाठक के गुस्से के बाद इस पर संज्ञान लिया गया और कहा गया कि 2 दिनों के अंदर सभी कमरों में बोर्ड का निर्माण कराएं। वहीं विद्यालय में गंदगी और शौचालय नहीं रहने के कारण भी प्रधानाध्यापक को हटाकर वरीय शिक्षकों को वित्तीय प्रभार देने का निर्देश दिया। पूर्व प्रधानाध्यापक का भी वेतन बंद करने का निर्देश दिया। विद्यालय में 2 कमरे में ताला बंद पाए गए और बच्चे बाहर ओसारे में पढ़ते नजर आए, जिसको देख करके के पाठक ने प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया कि अपना कार्यालय बाहर करे और कमरे में बच्चों का पढ़ना सुनिश्चित करे। तो लगभग सभी स्कूलों की व्यवस्थाओं से के पाठक नाखुश दिखे। लगभग सभी स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था बेहद खराब थी। स्कूलों की हालत देखकर के पाठक भड़क गए। मौके पर ही उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और तत्काल उसे ठीक करने का आदेश दिया। तो अब बिहार में के पाठक का राज है, और जब के पाठक है तो शिक्षा व्यवस्था में कोई भी कोताही लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने एक्शन को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। उनका नाम सुनते ही शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारी कांप जाते हैं। वो जिस जिले में पहुंच जाते हैं, उस जिले के शिक्षा विभाग में हड़कंप मच जाता है। लापरवाह टीचरों सहित अन्य कर्मचारियों पर गाज गिरनी निश्चित होती है, और यही हुआ नवादा में। नवादा से प्रतीक भान की रिपोर्ट, बिहार तक।